स्वरूप में नौका से जीवन को पार लगाया। मंथन हेतु मेरु साधा पूर्व का रूप बनाया। सागर धरती को वार है खान बचाया। इन सात आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतरण में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। विष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्ज का नृत्य प्रचंड हुआ। सीमाएं तोड़वाई गई, चाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल थरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ, जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी।
की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं समझ कर कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे, घटना
घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ जब रण में अर्जुन व्यतीत हुआ। फिर कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। Hey!
सौभाग्यशाली हैं आप जो आज ज्योति सर की उसी भूमि पर इतिहास को पुनः जीवित होते देख रहे हैं। धन्य धरा ज्योति सर की जहां योगी राज ने ज्ञान दिया, धन्य धन्य ये कुरुक्षेत्र जिसने इतिहास को थाम लिया, धन्य धन्य ये विश्वरूप जिसने जग को नव प्राण दिया, धन्य धन्य श्री महाविष्णु नव धर्म प्रणीत महान किया।